औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के रहने वाले लाखों लोगों के लिए फरीदाबाद सेक्टर 25 गुड़गांव नहर पर पुल बनाया गया है, जिसका केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उद्घाटन किया। कुछ महीने पहले हैवी ट्रैफिक और झरझर होने के कारण ये पुल टूट गया था, जिसमें कई वाहन फंस गए थे, लेकिन इस बार इस पुल को पहले से ज्यादा चौड़ा और 6 लेन का बनाया गया है और इसके बनाने में लगभग 6 करोड़ की लागत आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो ये पुल जितना आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा, उससे भी अधिक सेक्टर 25 के अलावा आसपास के तमाम औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये फायदा पहुंचाएगा। देखिए, लंबा समय नहीं, गुड़गांव कनाल पर एक बहुत पुराना पुल बना हुआ था जो अचानक टूट गया और पिछले 11 महीने में 6 लेन का एक पुल तैयार किया गया है, जिसकी लागत 6,59,00,000 है और जिससे सेक्टर 24 और 25 के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा भूमिका ये पुल अदा करने वाला है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सीएम अनाउंसमेंट का एक पार्ट है, हिस्सा है और जो 6,50,00,000 की लागत से जो बनकर तैयार हुआ है 6 लाइन के पुल है, जो सेक्टर 24, 25, 59, 58, NIT बडखल तीनों विधानसभाओं को लाभ मिलेगा और उद्योग जगत का रास्ता यही है, सारा उद्योग है, 58 जाना है, 59 जाना, 24 जाना, 25 जाना है, क्योंकि GT रोड को रास्ता नहीं है, यही रास्ता था जो 11 महीने पूरा हुआ है उसका आज उद्घाटन करा है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।